Hello friends, welcome to Preparing Sociology with WMNU IS. I am Praveen Bansal, your chief mentor for Sociology Optionals as well as some part of your general studies. Earlier I have recorded two lectures on this Sociology Optional, the strategy aspect. Pehla lecture humne kiya why sociology and second lecture humne kiya paper 1 ka syllabus humne discuss kiya and we carved out the important chapters. Or कितने मार्क्स अराउंड एक्सपेक्ट कर सकते हो आप उन एरियाज में से. नाउ दिस इज माय थर्ड लेक्चर ऑन दिस सीरीज एंड इफ यू वांट टू सी द प्रीवियस लेक्चर्स दे आर देयर इन द प्लेलिस्ट फॉर सोशियोलॉजी ऑप्शनल. नाउ सी कमिंग टू पेपर टू पर्टेन्स टू इंडियन सोसाइटी राइट. सिलेबस में आपके यूपीएससी ने पेपर टू को तीन पार्ट्स में आपको डिवाइड किया हुआ पेपर वन को. वो आप तीन पार्ट समझ लें. जैसे पेपर वन के अंदर मैंने तीन पार्ट्स क्रिएट किए थे, वो यूपीएससी ने नहीं दिए, बट आई हैव क्रिएटेड दोस थ्री पार्ट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर प्रिपरेशन एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हाउ वी सी द एक्चुअल मेंस पेपर जो पेपर में जो आता है. तो पेपर टू के अंदर देर आर थ्री सेक्शंस व्हिच यूपीएससी हैज गिवन, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी राइट. तो क्लियरली सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी है. सेक्शन ए में दो चैप्टर आते हैं दिए हुए हैं आपके, सेक्शन बी में सात चैप्टर दिए हैं एंड सेक्शन बी में छह चैप्टर दिए हुए हैं. तो टोटल 15 चैप्टर्स आपके इस सिलेबस में हैं राइट. तो अब यहाँ पे अगर मुझे इफ आई हैव टू कार्व आउट कि कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी कि सारे चैप्टर्स हैं कौन से राइट. तो देखिए सबसे पहले जो आपका पेपर टू का सेक्शन ए है उसका फर्स्ट चैप्टर इज परस्पेक्टिव्स ऑन द स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी. इट इज जस्ट लाइक एज वी हैव स्टडीड थिंकर्स इन पेपर वन, वैसा ही चैप्टर ये है पेपर टू के अंदर, थिंकर्स इन इंडियन सोसाइटी, हाउ पीपल हैव ट्राइड टू स्टडी इंडियन सोसाइटी. देखिए एक दो क्वेश्चन इसमें से आ ही जाता है, लेकिन ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर की कैटेगरी में है ये, बिकॉज दिस अगेन चैप्टर फॉर्म्स पार्ट ऑफ होल बेस ऑफ योर पेपर टू. जो आप यहाँ पढ़ेंगे, वट एवर यू विल स्टडी इन दीज थ्री थिंकर्स, वो पूरे सिलेबस में आपके काम आएगा. यू कैन ऑलवेज यूज दीज थ्री थिंकर्स इन एनी ऑफ द चैप्टर्स राइट. फॉर एग्जाम्पल अगर आप घुरे कर रहे हैं, एम एन श्रीनिवास कर रहे हैं, तो कास्ट सिस्टम के अंदर भी इनकी परस्पेक्टिव पूछा गया है. वट इज घुरे परस्पेक्टिव इन कास्ट सिस्टम, हाउ घुरे अंडरस्टैंड फीचर्स ऑफ कास्ट सिस्टम. और इनका काम बेसिकली अगर आप तीनों थिंकर देखो, इट स्पैन्स थ्रू डिफरेंट चैप्टर्स, फैमिली में, रिलीजन में, पॉलिटिक्स में, सोशल चेंज में, मूवमेंट्स में, एवरीवेयर दे हैव रिटन समथिंग. तो आपको ये काम, ये चैप्टर बहुत आ जाता है. सेक्शन ए का ही जो दूसरा चैप्टर है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियल रूल ऑन इंडियन सोसाइटी, ये थोड़ा सा बिखरा हुआ चैप्टर है. इसमें आपके चार टॉपिक हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, मॉडर्नाइजेशन. तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं मानते हैं, ये मीडियम इंपॉर्टेंट है. इसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कई बार वेग सा आ जाता है बड़ा, है ना, एंड क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होता है. वर्ड लिमिट हमारे पास बहुत कम है, क्वेश्चन या 10 नंबर का है या 20 नंबर का है, तो कई बार बच्चों को लिखने में प्रॉब्लम आती है. तो आई विल नॉट वांट कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड किया जाए. थर्ड चैप्टर फ्रॉम सेक्शन बी इज रूरल एंड एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर, अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. कास्ट सिस्टम अगेन अ इंपॉर्टेंट चैप्टर राइट. इसमें हम विलेजेस का आइडिया लेंगे और एग्रीरियन सोशल स्ट्रक्चर का लैंड टेन्योर सिस्टम, लैंड रिफॉर्म्स. तो तीन इसके अंदर आपके क्वेश्चन बनते हैं इसके अंदर. फिर आपका कास्ट सिस्टम का इट्स एवरग्रीन चैप्टर, ये तो करना ही करना है हमने कास्ट सिस्टम. इसमें दो या तीन क्वेश्चन आपके, दो क्वेश्चन तो कई हैं जो आएंगे, मतलब 20 नंबर का या 30 नंबर का पेपर कास्ट सिस्टम में से आएगा ही आएगा. इसमें से चाहे ना भी आए, बट ये जो कास्ट सिस्टम का है इसमें से आपका 20 नंबर का या 30 नंबर का पेपर पक्का आना ही आना है. तो ये तो आप पक्का ही लिख लीजिए. नाउ थर्ड इज ट्राइबल कम्युनिटीज, ये भी एक मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर है, नॉट अ वेरी बिग चैप्टर. करना है हमने, बट नॉट टू डिग डीप इन टू इट. देन नेक्स्ट चैप्टर इज सोशल क्लासेस, इसमें हम एग्रीरियन क्लासेस, इंडस्ट्रियल क्लासेस, मिडिल क्लास करते हैं. अगेन एक क्वेश्चन, एक मीडियम इंपॉर्टेंस चैप्टर का है ये, जिसमें ठीक है तीनों तीन टॉपिक हैं, कर लेते हैं. कभी क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता, ऐसा नहीं है कि हर बार ही आएगा. तो नेक्स्ट इज सिस्टम ऑफ किनशिप इन इंडिया, ये चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन पेपर टू. पेपर वन में भी आते हैं क्वेश्चन इसके, लेकिन पेपर टू के अंदर खासकर ये हम बहुत तवज्जो देते हैं. पेपर वन में भी नॉर्मल आते हैं क्वेश्चन, लेकिन पेपर टू में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट इज रिक्वायर्ड, और एक्स्ट्रा एफर्ट इज अप्रिशिएटेड एंड इट विल बी रिवार्डेड आल्सो, बिकॉज
पेपर टू के अंदर देयर इज अ स्कोप कि इसमें आप रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स डाल सकें, करंट अफेयर से लिंक कर सकें, नई नई लेजिस्लेशन आती हैं, कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम है उससे लिंक कर सकें, तो दैट विल बी मोर इंटरेस्टिंग टू डू। ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ भी जाता है, जैसे एक बार ट्रांसजेंडर पे आ गया क्वेश्चन पेपर टू में, पैट्रियार्की पे आ गया जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थी, है ना। फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एज एट मैरिज वाला इशू चल रहा था उस पर क्वेश्चन आ जाए, ऐसे क्वेश्चन पेपर टू में आ जाते हैं। या जो हिंदू इनहेरिटेंस हिंदू एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, वो चेंज हुआ, उसमें इनहेरिटेंस लॉज चेंज हुए, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ लें। तो दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग कि क्वेश्चन ये पेपर चैप्टर पेपर वन में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उतना नहीं जितना आप पेपर टू में इस पर टाइम लगाने का आपको बेनिफिट होगा। तो वट एवर टाइम यू विल इन्वेस्ट इन दिस पेपर टू इन सिस्टम ऑफ क्वेश्चन, दैट विल हेल्प यू इन पेपर वन ऑल्सो, क्योंकि ये एग्जाम्पल आप पेपर वन में हमेशा दे सकते हो। पेपर वन वाले एग्जाम्पल पेपर टू में नहीं दे सकते, लेकिन पेपर टू वाले एग्जाम्पल आप पेपर वन में भी दे सकते हो। सो दैट इज वन स्ट्रेटजी विच आई ऑलवेज फॉलो, कि यू स्ट्रेस मोर ऑन पेपर टू, पेपर टू में एग्जाम्पल्स ज्यादा करें, सो दैट कि वो यू कैन यूज इन पेपर वन ऑल्सो, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर इज रिलीजियस, रिलीजन एंड सोसाइटी, इट्स अगेन अ मीडियम इंपॉर्टेंट चैप्टर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें आपके स्कोप बहुत लिमिटेड है, स्कोप इज वेरी लिमिटेड इन सिलेबस, सिर्फ एक रिलीजियस कम्युनिटीज इन इंडिया एंड प्रॉब्लम ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज, ये दो टॉपिक ही दिए हुए हैं। अदरवाइज ये जो रिलीजन का टॉपिक है आपका बिखरा हुआ है थोड़ा सा, डिफरेंट इन अदर चैप्टर्स, लाइक किसी चैप्टर में सेकुलरिज्म दिया हुआ है, किसी चैप्टर में रिलीजियस रिवाइवलिज्म दिया हुआ है, किसी चैप्टर में फंडामेंटलिज्म एंड कॉम्युनलिज्म दिया हुआ है, बट दे आर इन अदर चैप्टर्स, थोड़ा बिखरा हुआ है। तो लेकिन जो पर से ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखते, करेंगे तैयार, लेकिन हम विल नॉट, अगेन आई एम रिपीटिंग, आई विल नॉट डिग डीप इनटू इट, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ बिकॉज यू शुड नॉट मिसअंडरस्टैंड। मतलब मैं अगर किसी चैप्टर को मीडियम इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ तो मेरा मतलब कहने का सिर्फ इतना ही है कि हमें तैयार करना है जो सिलेबस में दिया है, बट बहुत ज़्यादा हमें डिग नहीं करना है उसको, उसके लिए एक्स्ट्रा बुक्स एक्स्ट्रा रेफरेंसेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बहुत ज़्यादा उसमें अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जितना सिलेबस में है उतना तैयार करके रख लो, अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया तो कर देंगे। थर्ड जो सेक्शन है आपका सेक्शन सी, उसके अंदर ये विजन ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया है, एग्रेरियन एंड रूरल ट्रांसफॉर्मेशन है। ये जो चैप्टर हैं दोनों ही चैप्टर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ना कुछ इसमें से पेपर में आ ही जाता है, इसको वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हम रखेंगे, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों ही चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखता हूँ मैं। देन इंडस्ट्रियल एंड अर्बनाइजेशन है, ये इतना इंपॉर्टेंट, इसको मीडियम इंपॉर्टेंट में करेंगे कि जस्ट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा घुसने की इसमें जरूरत नहीं है, बिकॉज फैल जाता है कई बार बहुत कुछ। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री इन इंडिया, ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट, वर्किंग क्लास, इनफॉर्मल सेक्टर, चाइल्ड लेबर, स्लम्स एंड डेप्रिवेशन, इसको कर लेना, करके रख लेना, दैट इज मोर देन इनफ, ज़्यादा इसमें दिमाग खपाई नहीं करनी है, बिकॉज बहुत ज़्यादा। अब सपोज आप इनफॉर्मल सेक्टर ही करने लग जाओ, अब अगर क्वेश्चन पेपर में कभी आएगा कभी नहीं आएगा, आएगा 10 नंबर का आएगा, प्रॉब्लम्स ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर जो हम क्लास में कराते हैं उसी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, बट अगर आप थ्योरी करने लग जाओ और उसको और डीप में जाने लग जाओ तो एंड कोई नहीं है। ऐसे अर्बन सेटलमेंट्स हैं, आपको स्पेसिफिक टॉपिक दिया हुआ है, अब यहाँ कहीं आपको प्रॉब्लम ऑफ अर्बन एरियाज फलाना ढिमाका नहीं दिया हुआ, अगर पढ़ने लग गए तो फिर कोई एंड नहीं है, है ना। और जब आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट चले जाओगे सिलेबस में, यू टेंड टू बी पुल्ड इनटू इट। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया, एक हिस्टोरिकल आस्पेक्ट्स ले लिया हमने, है ना, और स्लम्स एंड डेप्रिवेशन, ये भी अर्बनाइजेशन का आस्पेक्ट है, ये ले लिया, है ना। अब लेकिन और भी तो अर्बनाइजेशन में बहुत कुछ है, व्हाट इज अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन इन इंडिया, अर्बन प्रॉब्लम्स, क्राइम इन अर्बन एरियाज, जेंडर अर्बन एरियाज, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच कैन बी डन, लेकिन सिलेबस में मेंशन नहीं है। सो व्हाई आई कीप इट मीडियम इंपॉर्टेंट, इसलिए कि इसमें ज़्यादा आप वक्त ना लगाएं, जितना मोटा मोटा सिलेबस में दिया उतना ही करें, अदरवाइज ये चैप्टर बहुत टाइम खा जाता है और रिवार्ड उतना करता नहीं है। नेक्स्ट इज पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी, ये जो चैप्टर है, अगेन दिस चैप्टर इज, इसको हम वेरी इंपॉर्टेंट में रखते हैं, अगेन वही लॉजिक है इसका, इसमें से भी 2 या 3 क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं, बट इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये चैप्टर पेपर वन में भी है। अगेन जब मैं ये कर लूँगा यहाँ पेपर टू में, आई विल गिव स्ट्रेस ऑन दिस, तो मैं इसके डिफरेंट आस्पेक्ट्स करूँगा, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करूँगा, करंट अफेयर से लिंक करूँगा, वो सारे एग्जाम्पल्स आपके पेपर वन में भी काम आएंगे, और टॉपिक सिमिलर हैं सारे, जैसे पॉलिटिकल पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप पेपर वन में है, पेपर टू में भी है, नेशन डेमोक्रेसी सिटीजनशिप पेपर वन में है, पेपर टू में भी है, है ना। तो कॉमन सेकुलराइजेशन पेपर वन में भी है, पेपर टू में भी है, तो आप समझ रहे मेरी बात, तभी पेपर टू में मैं इसको लेके आया हूँ। सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, अगर एक चैप्टर जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, दैट इज सोशल मूवमेंट्स इन मॉडर्न इंडिया, इसको नोट कर लें, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर ये है,
इसमें से हमेशा दो या तीन क्वेश्चन 40-50 नंबर का पेपर आ ही जाता है। और ये चैप्टर वैसे भी करना जरूरी है, वाई, बिकॉज अगेन दिस चैप्टर कंटेन्स द वट एवर यू विल स्टडी इन दिस चैप्टर विल बी हेल्पफुल टू यू इन होल ऑफ पेपर वन, है ना, बिकॉज दिस पर्टेन्स टू डिफरेंट अदर चैप्टर्स ऑफ योर पेपर वन, पेपर टू सॉरी। तो ये तो आपको चैप्टर करना ही करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्ट नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डायनेमिक्स, ये मीडियम इंपॉर्टेंट है, जो सिलेबस में दिया उतना कर लो, अदरवाइज अगेन ये इतना बिखर जाता है चैप्टर कई बार कि टेक्स योर 10 डेज ऑल्सो 15 डेज ऑल्सो, बहुत ज़्यादा करना नहीं है, ठीक है ना। बड़ा स्पेसिफिक से क्वेश्चन इसमें से आते हैं, दैट वी विल डिस्कस इन द क्लास। एंड लास्ट इज चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, 20-30 नंबर का पेपर इसमें चैप्टर में से आता ही। अगेन दिस चैप्टर अगेन इज कंटेनिंग पार्ट्स फ्रॉम अदर चैप्टर्स, जैसे वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, ये सोशल मूवमेंट्स का पार्ट है, कास्ट कन्फ्लिक्ट है, ये कास्ट सिस्टम वाला, देन ये कम्युनलिज्म है, रिलीजियस रिवाइवलिज्म, ये रिलीजन के चैप्टर का है, डिस्पैरिटीज इन एजुकेशन, ये सोशल चेंज वाले चैप्टर का है, डिस्प्लेसमेंट एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ये सोशल मूवमेंट्स वाले चैप्टर का है। तो दिस अगेन चैप्टर कंटेन्स पार्ट्स फ्रॉम अदर चैप्टर्स, तो ये भी हमारा वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं टोटल काउंट करूँ कि मेरे वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं, तो आप ही लगा के चलें, पहला तो मेरा दिस इज फर्स्ट चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रस्पेक्टिव्स वन, देन ये टू, कास्ट सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी मान लो, चलो तीन, छोटा सा ये है, कोई बड़ा नहीं है, लेकिन तीन ये दोनों हैं। देन चार, सिस्टम ऑफ किनशिप इज इंपॉर्टेंट, देन पांच, सोशल चेंज, एंड छह, रूरल एंड ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन, सात, आठ और नौ, ये 9 चैप्टर्स मैंने आपको दिए हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 9 और 6 15, टोटल 15 चैप्टर मैंने आपको दे दिए हैं 25 में से, जिसमें से अगर आप ये 15 पे एम्फेसिस ज़्यादा देते हो तो आपका ऑलमोस्ट 100% पेपर खत्म हो जाता है। एंड यू कैन स्कोर, देखो यूपीएससी में नंबर, मैंने आपको कल भी फर्स्ट लेक्चर में बोला था कि अल्टीमेट रियलिटी इज, अल्टीमेट ट्रुथ इज दैट नंबर कितने आते हैं आपके, इजंट इट। तो वो जो यूपीएससी का सब्जेक्ट पढ़ना एक अलग बात है, बट नंबर लेने के लिए सब्जेक्ट पढ़ना अलग बात है कि हाउ वांट टू, हाउ यू कैन गेट मार्क्स। तो योर एम्फोसिस एज आईएएस एस्पिरेंट शुड बी कि आपको ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है पढ़ते हुए कि हाँ आप मार्क्स ज़्यादा लेने की टेंडेंसी रखते हो। आप अगर सोचोगे 25 के 25 मैं बहुत डीप में कर लूँगा, डेफिनेटली कर सकते हो आप, बट अगेन इट विल कट योर टाइम समवेयर एल्स, आप जीएस में टाइम कट करोगे या कहीं और कट करोगे, ठीक है ना। और एंड कोई नहीं होता यूपीएससी में, चाहे आप जीएस कर रहे हो चाहे आप ऑप्शनल कर रहे हो, एक स्ट्रेटजी बिल्डअप करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में यही एक थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि पीपल, लॉट ऑफ पीपल आर टेलिंग, बट पीपल आर नॉट टेलिंग द कोर स्ट्रेटजी। तो वो आपको कह देते हैं ये भी कर लो, करवा भी रहे हैं, इतना कुछ करवा रहे हैं कि बच्चा एक तैयारी करने वाला तो वही है ना, कितना कर लेगा बच्चा, ठीक है ना। जैसे आई सी द चैनल्स में देखता हूँ, हिंदू पढ़ा रहे हैं न्यूज़पेपर विदाउट इवन एप्लीकेशन ऑफ माइंड कि यार मेंस का पेपर आ कैसे रहा है, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या उसके लिए बच्चे की, आप डेली 1.5 घंटा उसके एडिटोरियल हिंदू के पढ़ते रह रहे हो, उससे कोई फ़ायदा हो रहा है अल्टीमेटली? जितना टाइम आप इन्वेस्ट कर रहे हो जितना आउटपुट है, इनपुट आउटपुट की बात है, ऐसे तो कुछ भी करोगे पेपर कुछ भी पेपर में आ सकता है। मैं इनपुट लगा रहा हूँ डेली 2 घंटे और मेरी आउटपुट कुछ भी नहीं आ रही, मुझे पेपर में मेंस में 1 क्वेश्चन मिल रहा है 2 क्वेश्चन मिल रहा है जो मुझे वैसे भी मैं कर सकता हूँ। तो आइडिया इज कि ऑलवेज आप जब तैयारी करो ये सोचो कि यार मेरा इनपुट आउटपुट क्या है, कि मेरे को अगर मैं डेली इतना टाइम दे रहा हूँ इस पर, राइट, तो मुझे क्या पेपर में मिल सकता है। एंड यू आर सडनली यू हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रिपरेशन, बिकॉज ऑनलाइन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर, यू हैव टू टेक डिसीजन कि अल्टीमेटली, क्योंकि ऑफलाइन में तो हम पकड़ के बच्चे को समझा सकते हैं कि यार ऐसे कर तुम, देख ये देख ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है, ऑनलाइन में आपने हमारी बात सुन ली फिर 10 लोगों की और सुन ली, देन यू एंड अप कन्फ्यूज, है ना। तो एक ये एक आपको ध्यान रखना अपनी तैयारी में। तो जैसे मैंने आपको बताया कि 25 में से 15 चैप्टर ये वेरी इंपॉर्टेंट हैं, उसका मतलब एक ही है कि जब अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम है तो आप ये 15 में प्रेफरेंशियली टाइम लगाओगे एज कम्पेयर टू कवरिंग ऑल द चैप्टर्स। तो बाकी चैप्टर्स रीजनेबली कवर कर लेने एंड दैट विल हेल्प यू, एंड दैट विल हेल्प यू टू फेच मोर मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। So thank you very much, happy preparing, and if you have any question, please put in the comments. Or is channel ko subscribe karna na bhule, you will get lot of things in this channel
आपको हमने इसमें जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ी मीनिंगफुल सीरीज स्टार्ट करी है हमने, लाइक इश्यूज एनालिसिस, जैसे क्वेश्चन मेंस में आते हैं टू द पॉइंट सीरीज, कुछ कुछ की टर्म्स हैं जो एग्जाम के अंदर प्रीलिम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो दो तीन क्वेश्चन का आपको फायदा हो सकता है वहाँ पे। देन वी विल बी ऑल्सो स्टार्टिंग द मेंटरशिप सीरीज जिसमें स्ट्रेटजिकल पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, राइट। और कॉन्सेप्ट्स इन जनरल स्टडीज की हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जो प्रीलिम में और मेंस में दोनों में आपको बेनिफिशियल है, और बड़ी ही सटीक और टू द पॉइंट बात है उसके अंदर कि आप एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट अगर समझ लेते हो तो बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में आप ठीक तरह इंटरप्रेट कर सकते हो, और कई बार क्वेश्चन डायरेक्टली भी उन कॉन्सेप्ट पे आ जाता है, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन सीरीज हम इसको कह रहे हैं विदाउट वेस्टिंग मच योर टाइम, छोटे छोटे 15 मिनट का लेक्चर, 10 मिनट का लेक्चर, बड़ा सटीक लेकिन नथिंग नॉनसेंस, कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसके अंदर कि जो आपका टाइम वेस्ट करे और जो एग्ज़ाम के पैटर्न के अगेंस्ट हो। आप हमसे क्लेम कर सकते हो, आप हमें कमेंट में लिख सकते हो कि ये चीज़ कहाँ बेनिफिशियल है, कैसे क्यों कराई जा रही है आपको। सो अभिमन्यु IAS हैज़ बीन इन सर्विस फॉर द लास्ट 25 ईयर्स नाउ एंड वी अंडरस्टैंड UPSC एंड वी हेल्प यू टू गेट थ्रू द UPSC। थैंक यू वेरी मच।